ये दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा, वन रक्षक। तो नाउ वी आर इन फॉरेस्ट, हम जंगल में हैं अभी। आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत काफ़ी टाइम से जंगल में चल रहे हैं और शाम हो चुकी है। सबसे खुशी की बात यह है कि शाम का मौसम बड़ा ही सुहावना होता है जंगल में। देखिए, सुबह का मौसम बहुत सुहावना होता है, दोपहर का बहुत डरावना होता है क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर होती है। उसके बाद में जब शाम आती है ना, तो बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है, और जब रात आती है बहुत डरावना हो जाता है। तो ये कुछ जंगल की खूबियाँ हैं जो शायद आपको ना पता हो। अभी देख सकते हो, हम जंगल के अंदर ही जा रहे हैं। ये जंगल है, इसके अंदर बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि जंगल अपने आप में ही एक रहस्य है। तो ये भी वही जगह है, देख सकते हो पूरा हमारा क्षेत्र। सूर्य ढल चुका है, ये पहाड़ी भी देख रहे हो, वो देख रहे हो नरवर के किले वाली पहाड़ी है, ये भी हमारी पहाड़ी है। तो अभी जंगल में चले जा रहे हैं दोस्तों। जैसा आप बीड़ी पीते हो ना, तो बीड़ी कहीं से बनती है मालूम है? वो बीड़ी बनती है इससे, ये है, ये देख सकते हो जूम, देखिए ये आपको दिख रहा होगा ना, ये तेंदूपत्ता। क्यों चौधरी भाई, इसी से वजह से बनता बीड़ी, ये तेंदूपत्ता, इसी से बीड़ी बनती है। क्योंकि ये जो बीड़ी जो होती है ना, ये जो बीड़ी जो होती है ना, वो पहले पत्ता सूखता है, उसके बाद फिर गीला होने के बाद बनती है। और ये तेंदूपत्ते की क्वालिटी होती है कि वो सिकुड़ता नहीं है, और उसमें कुछ मात्रा निकोटिन की पाई जाती है जो कि तम्बाकू के साथ मिलकर बड़ा ही टेस्ट प्रदान करती है। तो यही है हमारा साथियों, चले जा रहे हैं अपनी ही धुन में। अब ये गाना सर्च तो करिएगा नहीं, किस पर, यूट्यूब पर कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गाना है ही नहीं जो मन में आता। देख, आप देख सकते हो, ये खोजो देख रही है ना, दिख रही है ना आपको, ये दोनों तीनों तरफ से पहाड़ दिख रहे हैं आपको, और इसके बीच में ये जो दिख रहे हैं आपको दोस्तों, यही आप ये समझिए कि जंगली जानवर रहने के लिए बहुत अच्छी जगह यही है, क्योंकि ऐसी जगह जंगली जानवर रहना पसंद करते हैं अक्सर इन खो में, क्योंकि उनके यहाँ बहुत आसानी से शिकार मिल जाता है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। तीन सबसे पहाड़ हैं, तो वो भी आता है, ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो सिक्योरिटी मिल जाती है। तो दिस इज़ मोस्ट वैलिड वैलिड रीजन कि यहाँ क्यों रहते हैं। तेरे रंग में रंग, जगह पेड़ है जेवालो, गुज्जन गुज्जन पूला गया हम गए, क्या सुंदर सुंदर फूल लग रहा है। तो शादी जंगल से वापस आ रहे हैं, और ये खोगा मुआवना हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज वेल। वन रक्षक की ड्यूटी यही चलती रहती जंगल में, अकेले हैं तो क्या गम है, अकेलेपन से जिया डरता है। ला 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 ला। अब जी वाली गाँव में चलने का है, अब हमको है इस वाली गाँव में जाना है अंदर दोस्तों। इस वाली गाँव में भी घूम लिया, आप देख सकते हो इवनिंग टाइम है, तो रात होने जा रही है। जैसे जैसे सूर्य नीचे ढलता चला जाएगा ना, वैसे वैसे जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ ऊपर होती चली जाएगी, समझ रहे हो? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जंगली जीव पॉइंट टू वन अपॉन डेज, मतलब दिन बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे वो निकलेंगे अपने शिकार के लिए, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वो अपने बिल में जाकर आराम फरमाएंगे। दैट इज़ द रूल ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है, हमारा नहीं।
हमारा नियम मात्र इतना है कि हमें जंगल को सेव करना है उन्हीं जंगली जीवों के लिए जो रात में निकलते हैं। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप खुद, आप देख सकते हो ये क्या खड़ा है, इसको बोलते हैं खजूर, इससे बनते हैं क्या देख सकते हो आप, इससे बनते हैं झाड़ू। तो आपकी भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि जंगल में आग ना लगाएं, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है गर्मियों में। बाकी बरसात और सर्दियों में आग की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है आग की, तो जंगल में आग लगाने का काम कभी ना करें, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है साथियों। और एक वनरक्षक की वीडियो आपको कैसी लगती है, इसके लिए आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर, तो आपने कर दिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं वनरक्षक सुनील कुशवाहा आपको हमेशा ऐसे ही एंटरटेनमेंट और जंगल की खूबसूरती दिखाता रहूँगा। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। घर चलते हैं, अभी घर जाने का टाइम आ गया, नहीं तो ना राय तो जाएगी, तो जंगल में अकेले रात में पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है। टेक केयर।